तनु ने चली है नई चाल। प्रज्ञा के जन्मदिन के मौके पर अभी उसे प्रपोज करने वाला है। ये जानकर अभी के मन में गलतफहमी जगाने के लिए उसने नई चाल चली है। हाँ, क्योंकि एक तरफ मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, दूसरी तरफ प्रज्ञा को प्रपोज करने वाला है, तो मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई हूँ कि फिर क्या होगा। सो मैं और निखिल प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी करके अभी प्रज्ञा को प्रपोज नहीं करें। घर में ढेर सारे फूल आए हैं और इन फूलों के गुलदस्ते पर कुछ चिट्ठियाँ भी बंधी हुई हैं। और हर चिट्ठी में प्रज्ञा के नाम कुछ संदेश हैं, जिसे पढ़कर अभी परेशान हो गया है, क्योंकि ये चिट्ठियां किसी लव लेटर से कम नहीं हैं। वो एक्चुअली न्यू एंट्री है प्रज्ञा के बॉयफ्रेंड की, तो वेल एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर ये शायद हो सकता है मेरा और निखिल का प्लान हो कि उसने बहुत सारे फूल भेजे जिस पे अलग अलग मैसेजेस हैं प्योर हिंदी में, तो हो सकता है उसने चंपक ने खुद ने भेजे हैं, बट बिकॉज ये पूरा प्लान हमारा है तो ये शायद हमने ही प्लान करके फ्लावर्स रखे हैं। अभी और प्रज्ञा को दूर करने के लिए तनु हर संभव कोशिश करती है, और क्यों ना करेगी, क्योंकि अगर अभी प्रज्ञा एक हो गए तो उसके सपनों का क्या होगा, निखिल के CEO बनने का क्या होगा। तनु ये काम कभी नहीं छोड़ेगी। अरे छोड़ दिया तो फिर तनु कैसे रहेगी। सही है, हर बार यही होता है, अभी और प्रज्ञा के बीच लड़ाई होती है, फिर गलत फहमियाँ फैलती है, फिर दोनों जुदा होते हैं, और जैसे ही नजदीकियाँ बढ़ती हैं, तनु फिर कोशिश कर इन दोनों को अलग कर देती है। अब की बार तो चंपक नाम का नया किरदार भी आया है, और ये गुलदस्ते उसी के नाम से आए हैं। हो सकता है ये चिट्ठियाँ उसी ने लिखी हों, और शायद ये भी अभी प्रज्ञा को जुदा करने की वजह बन जाए, लेकिन फिर भी ये अभी और प्रज्ञा का कुमकुम भाग्य कहलाता है, न जाने कैसे। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ ABP News रिपोर्ट।